नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज भाजपा के महासचिव अमित शाह से अपनी बातचीत है। अमित शाह एक पहेली है इसलिए कि वे फर्जी मुठभेड़ सीबीआई अदालत के फेर में इतने चर्चित हुए हैं कि उन्हीं बातों में उनकी इमेज का प्रोफाइल बना हुआ है। इस सवाल का शायद ही कभी कोई जवाब सुनने को मिला हो कि उनमें ऐसी क्या बात है जिसके चलते वे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत है। उनमें ऐसा क्या है जिसके कारण कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात से उनका निर्वासन चाहा? फिर भाजपा में भी नेताओं को यह नहीं समझ आया है कि आखिर अमित शाह की बतौर राष्ट्रीय महासचिव क्यों पदोन्नति हुई? अमित शाह में ऐसी क्या बात है जो उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालते ही वहां भाजपा की हवा बनने लगी? सो सवाल है, अमित शाह संगठक है या व्यवस्थापक है या राजनीतिक रणनीतिकार या फिर घोर सांप्रदायिक हिंदूवादी? इसलिए अपना पहला सवाल है कि अमित शाह का आखिर मतलब क्या है? अमित जी, गुजरात के बाहर आप एक तरह से पहेली है लोगों के लिए कि आखिर आप है क्या। आप नरेंद्र मोदी के चाणक्य है, उनके सिपहसालार है या खुद राजनीति के ग्रांड मास्टर है, क्या है आखिर आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी, और जहां तक चुनाव प्रबंधन है जी, मैं एक विद्यार्थी हूं जी। मतलब आप चुनाव प्रबंधन आपकी खूबी है ये माना जाए? नहीं, मैंने कहा मैं विद्यार्थी हूं जी, चुनाव प्रबंधन को हर हमेश सीखना चाहता हूं, अपने आप को अपडेट करता हूं और उसमें से जो कुछ भी सीखा है वो पार्टी के हित में उपयोग करता हूं। नहीं तो अगर ऐसा है तो कांग्रेस आपसे क्यों इतनी घबराई हुई लगती है? मतलब आपको लेकर ये बहुत इच्छा उन कांग्रेस का रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले आप गुजरात से बाहर रहे, निर्वासित रहे, अब आप गुजरात में नहीं जाए तो नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ेंगे, ये भाव या ये हवा कैसे चली? ये तो देखिए, आपने कांग्रेस को पूछना चाहिए जी। मैं नहीं मानता कांग्रेस घबराती है जी, बड़ी पुरानी पार्टी है, वहां भी बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रबंधन करते, घबराने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि एक प्रयत्न जरूर हुआ था कि मुझे गुजरात के बाहर रखा जाए जी। नहीं, पर उस प्रयत्न के साथ में क्या ये नहीं लगा कि उस प्रयत्न के दौरान ही आप कुछ फिर आपने अपनी अलग रोल सोचा या अपनी अलग भूमिका बनाई? देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करने वाला कार्यकर्ता हूं जी। मुझे गुजरात के बाहर रखा तो यहां पर भी मैंने काम किया, यहीं लोगों से मेलजोल बढ़ाया और यहां पर भी कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न किया और मैं मानता हूं कि इससे मुझे काफी फायदा हुआ है। नहीं, लेकिन इससे फायदा हुआ, लेकिन इससे आपने क्या आपका फिर दिल्ली का टारगेट या मतलब राष्ट्रीय राजनीति का मिशन बन गया गुजरात से बाहर निकलने के बाद में, या क्या हुआ था? देखिए, मेरी राजनीतिक करियर का जहां तक सवाल है, बिल्कुल समंदर में एक लकड़ी जिस तरह से तैरते हो उस तरह तैरता जाता है। मैं लकड़ी के हाथ में नहीं होता, लकड़ी कहां पहुंच जाएगी। मैं इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लकड़ी की तरह बहता हूं, संगठन मुझे जहां पहुंचा देगा वहां मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, संगठन और वो ये, लेकिन हर कोई मानता है कि हर कोई देखता है कि आप मतलब गुजरात में आज जो स्थिति है या नरेंद्र मोदी जिस मुकाम पर है या नरेंद्र मोदी और आपकी जोड़ी, दोनों की जुगल जोड़ी ने जो गुजरात का के अंदर जो भगवा कलर को जिस तरह पुख्ता करवाया किया वो आप ही की देन है, ये जो धारणा है इसके पीछे मतलब आप सिर्फ कार्यकर्ता में ही अपने को सिमटा रखेंगे? नहीं, इस धारणा से मैं सहमत नहीं हूं। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम होता है, लाखों कार्यकर्ताओं का योगदान होता है, ये बात अलग है कि हर कार्यकर्ता को चुनाव में अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। मुझे कोई जिम्मेदारी मिली होगी चुनाव प्रबंधन की, तो उसको मैंने ठीक से निभाने का प्रयत्न किया है, मगर कुल मिलाकर जो परिणाम होता है वो लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से होता है। और गुजरात का परिणाम खास कर मोदी जी ने जो 10 साल शासन किया गुजरात में, और 10 साल के शासन में उस जगह पे विकास पहुंचाया जो देश भर में आजादी के बाद कहीं नहीं पहुंचा, उसका परिणाम गुजरात का विजय है। नहीं, लेकिन आपने बार बार दो बार तीन बार कहा कि चुनाव प्रबंधन, उसमें फिर एक ये माना जाता है कि गुजरात में जीत या गुजरात में चुनाव की जो भाजपा की और नरेंद्र मोदी और आपकी जो रणनीति, वो ब्लॉक स्तर पर बूथ स्तर पर मतलब बूथ के मैनेजमेंट को आप लोगों ने बहुत कायदे से उसको किया जिसको कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाई, क्या ये सचमुच में सफलता का बड़ा राज है? नहीं, वो सही है कि गुजरात में ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा जो चुनाव प्रबंधन है कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाई, वो सही है और हमारी जीत का एक बड़ा कारण ये भी है जी। उसमें आपकी निर्णायक भूमिका रही है, ये इतना तो माना जाना चाहिए। देखिए,
ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि बूथों की रचना का जो सवाल है वो बूथों की रचना कई सालों के परिश्रम से होती है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। उसको शुरू किसी ने किया होगा जिसमें भाजपा की विरासत में मिला होगा, मिला होगा, कई कई लोगों ने अपना योगदान दिया होगा और नरेंद्र भाई जब महामंत्री थे तभी इसकी शुरुआत हुई थी और यश आज किसी को मिल रहा होगा, अभी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मिल रहा होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं मानता हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बहुत पुख्ता किया है और उसका सटीक उपयोग किया है। जी, आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या कई लोगों का कहना है कि नहीं आपकी आरएसएस के प्रति आप आरएसएस के ज्यादा मतलब निष्ठावान स्वयंसेवक है, ये धारणा कितनी सही है? देखिए मैं निष्ठावान हूँ ये नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं संघ का मतलब आरएसएस के प्रति पहली आपकी वो है या भाजपा की आप अपने को पहला कार्यकर्ता मानेंगे? देखिए एक बात स्पष्टता से समझ लीजिए कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ का स्वयंसेवक जिस संगठन में काम करता है उसकी निष्ठा उस संगठन से बनी रहती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ इसलिए मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, इसमें पहली दूसरी नहीं आती। नहीं, उसमें एक इसमें ये कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में एक दफा या बीच में कभी भी सेतु के रूप में या उस रुख के रूप में आपका कभी कोई रोल रहा क्या? नहीं, कोई सेतु की जरूरत भी नहीं है, ना मेरा स्तर है कि मैं मोदी जी और आरएसएस के बीच में सेतु बन पाऊं। जी, आपके अनुसार गुजरात में आप क्योंकि आपने गुजरात में ज्यादा कार्यकाल बतौर प्रशासक या मंत्री के नाते ज्यादा दिया है, संगठक के नाते कम दिया है, आप अपने आप को प्रशासक के नाते ज्यादा अपना योगदान मानते हैं गुजरात भाजपा में या प्रशासक के नाते? देखिए लोगों को मेरी जानकारी मंत्री बनने के बाद ज्यादा हुई जी और कुछ घटनाओं के कारण चर्चा भी मंत्री बनने के बाद ज्यादा हुई, मगर ज्यादातर समय मैंने संगठन का ही काम किया। नहीं, उसमें गुजरात के अंदर गुजरात में रहते हुए या गुजरात के अनुभव के वक्त में जो कांग्रेस या जो मुकदमे या जो अदालत या जो जिस दौर से आप गुजरे हैं, जिस मुकाम से आप गुजरे, क्या लगता नहीं कि वो आपकी एक तरह से पूंजी बन के आपकी उसके अनुभव से आपको बहुत कुछ मिला है उससे सीखने को या उससे आगे बढ़? दो बातें हैं जी कि मैं मानता हूं कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर पॉलिटिक्स को मैं अकेला सुधार नहीं सकता। अगर एक छोर से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स होती है तो मुझे उसका भुक्तभोगी बनना तय है और मेरा स्वभाव है कि जो भी अन्याय हो इसके खिलाफ लड़ाई करना, मैंने लड़ाई करी और ईश्वर ने उसमें मेरी बहुत मदद करी है, सफल भी हुआ हूं और पूरी पार्टी ने मेरा समर्थन किया है। निश्चित तौर पर इसके कारण एक जुझारू कार्यकर्ता की मेरी इमेज बनी है और लोगों में एक नई पहचान भी बनी है, उसका फायदा है ही है। उस नाते कांग्रेस की जो रणनीति थी वो एक तरह से बैकफायर हुई है और उसमें पके तपे या मतलब आप आगे बढ़े? मैं पका तपा आगे बढ़ा वो सही है, कांग्रेस की रणनीति बैकफायर हुई या सफल हुई इसकी एनालिसिस में मैं जाना नहीं चाहता। अमित जी अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखें। जी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं भाजपा के महासचिव अमित शाह से बात कर रहा हूं, अब उनसे उनके उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के मिशन पर बात करते हैं। अमित जी, गुजरात के बाद आपको अखिल भारतीय राजनीति और भाजपा के महासचिव का जो पद मिला और महासचिव के बाद जो पूरी तरह यूपी का जो जिम्मा मिला वो कुछ हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि पार्टी के पुराने कई नेताओं का कार्यकर्ताओं में ये एक कौतूहल या एक पहेली रही कि आपको इतने बड़े प्रदेश का जो भार मिला है वो आखिर क्या ऐसी खूबियां हैं आप में जिसके कारण ये जिम्मेवारी मिली है, या क्या मानते हैं, क्या आपका एसेसमेंट? वो तो आपने अध्यक्ष जी को ही पूछना पड़ेगा, मगर एक काम किसी न किसी कार्यकर्ता ने करना था और मैं एक तरह से होल टाइमर हूँ, फुल टाइमर हूँ, पूर्ण समय राजनीति में देता हूँ, मुझे लगता है समय की उपलब्धता ही बड़ा कारण होगी। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुभव या उत्तर भारत की राजनीति का अनुभव आप ये नहीं मानते कि बिल्कुल नहीं रहा और अब आप एकदम पिछले साल भर से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की राजनीति की जो बारीकियां हैं उसको कैसे संभाल पा रहे? देखिए राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है समस्याओं को आप किस तरह से निपटते हैं, समस्याओं को टैकल करने का आपका नेचर, समस्याओं को टैकल करने का आपकी पद्धति और समस्याओं के सामने न झुकने का आपका
जुझारूपन, ये तीन बातें राजनीति में महत्व की होती है। हर प्रदेश की राजनीति अलग होती है, मगर ये तीन बातें आप में है तो कहीं ना कहीं रास्ता आप निकाल लेते हो। मैं मानता हूं कि कोई भी प्रदेश हो, अगर संगठन आपके साथ है, संगठन बनाने का आप में हौसला है और संगठन का उपयोग करने का आप में कौवत है, तो रास्ता अच्छा ही होता है, सफलता ही मिलती है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का अखाड़ा रहा है और इस अखाड़े में कई बड़े राष्ट्रीय नेता भाजपा के भी पहले ज्यादा कामयाब नहीं हुए, असफल हुए, भाजपा का ग्राफ नीचे गिरा है, उसके बावजूद उस अखाड़े में आपको अपने आप को मतलब क्या अभी तक का क्या अनुभव रहा? मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं को भेजा है और सफल भी हुए। हमारे आज के अध्यक्ष जी भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में मेरा कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा ये एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है कि मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं शुद्ध रूप से पार्टी के फायदे की सोचकर संगठन का काम करने वहां गया हूं, वही कर रहा हूं, इसलिए मुझे हर एक का समर्थन प्राप्त है और हर कोई मेरी हौसला अफजाई कर रहा है। नहीं, वो है, लेकिन आपको ये अपना बूथ प्रबंध या नीचे के प्रबंधन का जो अनुभव है, तो उत्तर प्रदेश में जाके जो आपको पार्टी संगठन और प्रबंधन की जो स्थिति, जो खालीपन या जो नजर आ रहा होगा, उससे आपको लग नहीं रहा कि ये बहुत कुछ जरा ज्यादा ही भारी चैलेंज मिल गया? देखिए, जहां तक दलगत राजनीति का सवाल है, राजनीति में सबसे बड़ी समस्या है कार्यकर्ता निर्मिति और उसके बाद में आता है बूथ का प्रबंधन। कार्यकर्ता निर्मिति जो सबसे बड़ा सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में कार्यकर्ता हमारे पास उपलब्ध है। तो मेरा 80% काम तो आगे जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने कर रखा है, मतलब कार्यकर्ता आपको मिले हैं और मिले हैं। अब मुझे करना है कि उसको संगठन के ढांचे में ढालना और संगठन को इलेक्शन के ढांचे में ढालकर उसका सटीक रणनीति बनाकर उपयोग करना। मैं मानता हूं कि 80% काम मेरे आगे जिन लोगों ने किया है उन्होंने कर रखा है और 20% जो हमें करना है वो सबको साथ में रखते हम कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं दी। उसमें जो बड़ी उसमें कार्यकर्ता आपके पास है, कार्यकर्ताओं को आपने मोबिलाइज कर लिया, लेकिन जो प्रदेश स्तर के नेताओं में आपसी जो मनमुटाव है, जो खींचतान है, जिसके कारण भाजपा पहले भी काफी नीचे रही, उस स्थिति का, उस संकट का क्या सामना? देखिए, आमतौर पर जो मनमुटाव होते हैं वो प्रांत के चुनाव में होते हैं, जब आम चुनाव देश के होते हैं तब मनमुटाव नहीं होते। देश का प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे प्रत्याशी को तय कर दिया गया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, राजनाथ जी संगठन का नेतृत्व करने वाले हैं, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं मानता उसके कारण समरसता आई है संगठन। मैं नहीं मानता कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी आपसी मनमुटाव लोकसभा चुनाव को लेकर है। जी अमित जी, आपके उत्तर प्रदेश में जाने के बाद एक तरह से ये माहौल बना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात तुरंत चलिए, ये आपकी इस बात को आप किस तरह ले रहे हैं? देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी मेरे जाने से पहले हो चुका था। जी आप ये समझ लीजिए, संविधान सम्मत न होने के बावजूद भी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन की मांग करना, उसकी घोषणा करना, 21 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने की पहल कर देना, उनके मुकदमे वापस लेने की पहल कर देना, सुन तो लीजिए, भर्तियों में मुसलमान को तवज्जो देना, कोई भी सरकारी स्कीम हो उसमें मुस्लिम और किसी एक जाति विशेष को ही ज्यादा लाभ मिले इसके लिए सूचनाएं जाना और थानों पे रिसर अधिकृत सूचनाएं जाना कि माइनॉरिटी प्रताड़ित न हो ऐसी सूचना जाना कोई गलत बात नहीं है, मगर ऐसा कहकर मैसेज सिर्फ माइनॉरिटी के लिए देना वो गलत बात है। इसके कारण ऑलरेडी कॉम्युनल एटमोस्फियर वहां पर बना हुआ है। केवल माइनॉरिटी को लेकर मुलायम सरकार या अखिलेश वो कर रहे हैं, ये अपने आप में इसी मुद्दे के ऊपर जोर देने से क्या वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो नहीं बन रहा है? जो घटना घटा रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसका तो कोई दोष नहीं है और नेचुरल प्रतिक्रिया जनता में आ रही है और उसका फायदा किसी को मिल रहा है तो उसका दोष है? जी नहीं नहीं, पर ये आप मुझे ये समझाइए कि 21 आतंकवादियों को छोड़ देने की सरकार की पहल वो कम्युनल एक्शन नहीं है? जी जी,
अगर वो कॉम्युनल एक्शन है तो इसका रिएक्शन जनता में आना बड़ा स्वाभाविक है जी। नहीं, तो कौन दोषी है कॉम्युनल एटमोस्फेयर बनाने नहीं, नहीं, लेकिन उसमें अखिलेश सरकार या मुलायम सिंह का समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इनके प्रति पहले जाति हुई है या जाति को हम ठीक करवाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, हमारा धर्म सरकार हमारा वो राजधर्म है, ये अगर जाति हुई है तो उसको जस्टिफाइड करना सरकार का काम है या कोर्ट का काम है जी। संविधान की व्यवस्था क्या है, एक बार मुकदमा तय हो जाता है, कोर्ट में मुकदमा चला जाने के बाद जाति हुई या नहीं हुए वो तय करने का काम कोर्ट का है। नहीं तो वो कोर्ट ने बाद में रोका भी उस पे, वो रोका उसमें सरकार के कहने पर नहीं रोका, किसी जागरूक नागरिक ने पीआईएल करी है और वो रुका है। नहीं तो उसी नाते फिर मैं वो सियासी पूरा माहौल प्रदेश को लेकर ये कर रहा हूं, इस पूरे माहौल के अंदर आपका अभी के आज की मुकाम में कि भाजपा की आप क्या स्थिति, भाजपा की एक तो उत्तर प्रदेश को लेकर खास कोई ऐसा मुद्दा आप देख रहे हैं या इसी जो अभी चल रहा है उसी के आधार पर चुनावी लड़ाई होगी? देखिए उत्तर प्रदेश में आज यूपीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पीक ऊपर है जी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि केंद्र में सरकार बदले जी। समाजवादी और बहुजन समाजवादी दोनों पार्टियों ने 4 साल तक सरकार का समर्थन किया है, इसलिए दोनों पार्टियों पर भी रोष है। बसपा के शासन के भ्रष्टाचार जनता अभी भूली नहीं है और मुलायम सरकार की जो बदव्यवस्था है मतलब बदहाली है उससे काफी एंटी इनकम्बेंसी मुलायम सरकार के अखिलेश सरकार के खिलाफ सपा के सामने भी खड़ी हुई है। तीनों पार्टियों को जनता नहीं चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। ना सपा परिवर्तन कर सकती है ना बसपा परिवर्तन कर सकती है क्योंकि वो अखिल भारतीय पार्टियां नहीं है। इसलिए परिवर्तन अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है और जिस मुद्दों पर ये तीनों पार्टियों पर नाराजगी है उन सभी मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी में लोगों को दिखाई पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लहर उत्तर प्रदेश की जनता में है, बिल्कुल देख रहा हूं। इसमें मुख्य लड़ाई आपकी किस पार्टी से आप अपनी मान रहे हैं? देखिए मैं लड़ाई नहीं देख रहा, बिल्कुल एक आप समझ लीजिए कौन है, कोने में अलग अलग पार्टी से लड़ाई है मगर हर कोने में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है। सब अकेली भारतीय जनता दोनों तीनों पार्टियों के सामने अलग अलग कोने में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए तो वहां सपा नहीं है बसपा के साथ हमारी लड़ाई है, अवध क्षेत्र में बसपा नहीं है सपा के साथ हमारी लड़ाई है, पूर्व में सपा बसपा दोनों के बीच में सीटें बढ़ती हुई है, कांग्रेस कहीं इक्का दुक्का कोई टापू की तरह दिखाई दे रही है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश को लेकर आत्मविश्वास में भरोसे में और चमत्कार की उम्मीद में बने? देखिए चमत्कार तो जो प्रोसेस में नहीं है उनको लगता है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी जी। अमित जी अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी जी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी यदि गांधीनगर में रहते हुए अपनी हवा, अपनी सभाओं, अपने भाषणों और अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दे रहे होंगे तो अमित शाह पूरे देश की राजनीति का हिसाब लगा रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है, बिहार, झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश सभी का उनके पास हिसाब होगा। इसी पर अब आगे बात करते हैं। अमित जी आपको एक तरह से अखिल भारतीय राजनीति का कंप्यूटर भी भाजपा में माना जाता है, अखिल भारतीय राजनीति के संदर्भ में आपको भाजपा की अभी या नरेंद्र मोदी की अभी की स्थिति किस तरह की लग रही है, क्या आपका अपना आंकलन अभी क्या बन रहा है? देखिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए में बहुत स्वस्थ बहुमत के साथ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कोई शक सुबह आप नहीं में कोई शक सुबह दो राय है नहीं, ना जनता के मन में है, ना पार्टी वर्कर के मन में है, ना हमारे नेतृत्व के मन में है, सिर्फ मीडिया के मन में है। नहीं तो इस यही मेरा कहना है कि आखिर इसका आधार मतलब आप अखिल भारतीय स्तर पर इस आपके आत्मविश्वास का आधार क्या है, कांग्रेस यूपीए सरकार की या कुछ मतलब जो आपकी या नरेंद्र मोदी या पूरी टीम की जो आपकी हवा इमेज बनी है वो क्या, आखिर इसका मूल मंत्र क्या? देखिए दोनों चीजें इकट्ठा होती है तभी इस प्रकार की हवा बनती है। अभी जो सरकार 10 साल से शासन में है वो हर मोर्चे पे विफल गई है,
सरहदों की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, महंगाई हो, करप्शन हो, लचर प्रशासन हो, विदेश नीति का बिल्कुल मान लीजिए बंटाधार होकर पड़ा है, छोटे छोटे देश भी देश का सम्मान नहीं करते हैं, इस तरह की स्थिति इन्होंने बनाकर रख दी है। पूरी आम जनता के मन में एक बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा रह गया है। डॉलर और रुपये की कीमतें देखकर सबके मन में चिंता उत्पन्न हो रही है। ये सब स्थिति देखते हुए सबके मन में एक बात तो निश्चित हो गई है कि आने वाले दिनों में ये सोनिया मनमोहन की जोड़ी के हाथ में देश का भविष्य देना ये सलामत मतलब नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी को आप अपना मुख्य आधार बना रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी जिन कारणों से है वो सभी कारणों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने जो नेता तय किया है वो नेता के अब तक के करतूतों में दिखाई पड़ता है। नरेंद्र मोदी कोई नया नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 12 साल तक एक प्रांत का गुजरात के एक बड़े प्रांत का शासन किया है और शासन जिस तरह से किया है इसकी सुवास देश के कोने कोने में पहुंची है और शासन की जो उपलब्धियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, लाखों लोग गुजरात हर रोज जाते हैं, गुजरात से लाखों लोग प्रवास में देश भर में जाते हैं, वो गुजरात के एम्बेसडर बनते हैं, जाता है वो भी एम्बेसडर है, आता है वो भी एम्बेसडर है और उन्होंने इन उपलब्धियों को देश भर में फैलाया है। मतलब ये आपके अनुसार ये पूरा प्रोसेस अपने आप हुआ, इसमें कोई योजनाबद्ध या कुछ अंतरधारा पैदा करने की कोई कोशिश किसी तरह की रही है क्या? देखिए समय 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 के जाते जाते ही ये बात पूरे देश भर में फैली है और समय के जाते जाते ही इनकी विफलता सरफेस पर आई है। ये नियति का खेल है कि दोनों जगह इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। सुनिए तो दोनों बातें एक जगह पे आके रुकी है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है और मैं मानता हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप चुनाव आएगा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के प्रति देश भर में एक लहर है। आपको सबसे पहले, आपको या नरेंद्र मोदी को, इनको सबसे पहले ये कब एहसास हुआ कि राष्ट्रीय राजनीति में गुजरात से एक हवा बन रही है? ये कब, कितने साल गुजरात से हवा बनी है? ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये लोगों का शासन ठीक नहीं है और इस शासन ने देश को बदहाल बनाया है। ये हवा काफी समय से बन रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जब चुनाव आता है तो स्वाभाविक रूप से इसकी चर्चा सरफेस पर आ जाती है। नहीं, पर इसके अंदर कोई आप मतलब आप बिल्कुल सब ये कि किसी तरह की प्लानिंग की जो कहा जाता है कि मीडिया द्वारा, कारपोरेट घराने द्वारा, बड़े लोगों द्वारा ये हवा बनाई जा रही है, एक गुब्बारा में हवा भरी जा रही है, आते आते अप्रैल मई तक वो पिचक जाएगी, इस तरह की कोई ये जो थ्योरी है इस पर क्या कहना आपका? देखिए मीडिया, माफ करना मुझे, मीडिया से ही मैं बात कर रहा हूं और कह रहा हूं, मीडिया ने तो हवा को रोकने का बहुत यत्न कर लिया मगर हवा जो है इतनी बलवान है कि किसी के रोकने से कांग्रेस और सबका कहना है कि ये मीडिया द्वारा प्रायोजित हवा है, ये कारपोरेट घरानों की हवा है, ये बड़े अरबपतियों खरबपतियों की हवा है, इसकी जमीनी आधार इसका नहीं है। देखिए रेवाड़ी की सभा में जब 3 लाख लोग आते हैं तब कॉरपोरेट नहीं आते वहां पर, नहीं पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लोग बुलाए जा सकते हैं। भोपाल की रैली में 5 लाख लोग आते हैं तो मीडिया के लोग नहीं आते और भीड़ अगर इकट्ठी हो जाती है तो हमारी विरोधी पार्टियों में क्यों नहीं होती? इनके पास संसाधन की कमी नहीं है, वो पावर में है, हमसे ज्यादा संसाधन उनके पास है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा अनुभवी है, हमसे बहुत पुरानी पार्टी है मगर नेतृत्व नहीं है, इसलिए भीड़ इकट्ठा नहीं होती। यहाँ नेतृत्व का आकर्षण है इसलिए भीड़। मतलब नेतृत्व का कारण आप नंबर वन मानते हैं या एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ से वो नेतृत्व उभरा या चमका है क्या? नेतृत्व अपने कर्तृत्व के कारण उभरा है, इनके काम के कारण एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हुई है और एंटी इनकम्बेंसी का जवाब नेतृत्व के कर्तृत्व में दिखाई पड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोगुना फायदा हो। जी अमित जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।